इससे कीड़े मरेंगे नहीं, सिर्फ कीड़े जो है पौधे की दूरी बनाए रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा टिप देने जा रहा हूँ जिससे कि पौधों में कीड़ों का असर ना हो। कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, परंतु हमको उसको दूर रखना, कीड़ों को पौधों से दूरी बनाए रखने के लिए छोटे छोटे घर के ही टिप्स हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक आध क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मैं शुरू करने जा रहा था कि जैसे कि हमारे पास घर में बहुत तरह की चीज़ें होती है, सोडा हुआ, तंबाकू हुआ, जगह जगह लोग खाते रहते हैं। जैसे ये डिब्बी लगभग भारत देश के हर एक क्षेत्रों, हर एक राज्यों में लोगों के हाथों में देखा गया है। तो इसमें होता कुछ नहीं, हमको करना क्या है, एक सिंपल सा रिपेलेंट बनाना है, ना कि पेस्टिसाइड बनाना। उसके लिए हम लेंगे इस प्रकार का जो बीड़ी पत्ती आती है, चूने बीड़ी पत्ती तंबाकू, इसको हम पानी में रात भर गला लें या गर्म पानी उबाल करके उसमें इसको 100 ग्राम छोटा, 50 से 100 ग्राम का जर्दा लेकर के उसको उबाल लें। उसमें फिर हम जो ये चूना होता है, चूना खाने वाला चूना है ये, इस चूने का मात्रा लगभग 5 ग्राम उसमें डालेंगे। चूना इसलिए डालते हैं कि भाई है तो इस बेसिकली ये कैल्शियम और एसिडिटी को, प्लांट की एसिडिटी को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इस प्रकार हम इसमें ये चूना का पानी घोल डालते हैं। जब ये डाल लेंगे फिर इसको अच्छे से हिलाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे खाने वाली जो हल्दी होती घर में, 1 चम्मच। ये आपको फंजीसाइड के तौर पे काम आती है, प्लांट्स की जड़ों को फंगस से बचाने में बहुत मदद करता है। घर में रखे हुए पौधों के लिए भी, इंटीरियर जो होते हैं प्लांट्स, जैसे ये स्नैक प्लांट है, ये घर के अंदर रखा है, इनको भी देना ज़रूरी है, क्योंकि घर के अंदर इनमें नमी रहने से इनकी जड़ों में कहीं ना कहीं फंगस का अटैक आ जाता है। गर्मी के फूल, ये विनका, इनको भी समय समय पर इस प्रकार का पानी दिया जाएगा जिससे कि इनकी जड़ें और ब्लैक रॉटिंग से बचता है, आपका ये प्लांट्स जो है इनको बचाया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार इसको तैयार किए। इस प्रकार का ये जो आप देख रहे हो, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया है। चूँकि ये हमने रात भर भिंगोया था और सुबह इसको हम बनाने के लिए तैयार कर दिए हैं। अब इसको हमने इसको छाना भी है, इसलिए कि ये हमारे जो इस प्रकार का पंप जो होता है, स्प्रे पंप, इसके नोज़ल में ये आके इसका मोटा कचरा फंसे ना। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको इसमें भर के और फिर हम प्लांट्स की जड़ों में भी दे सकते हैं डायरेक्ट, और तनों में भी स्प्रे कर सकते हैं, लीव्स पे भी कर सकते हैं। इस प्रकार को इसमें हमने भर लिया। ये लगभग 1 लीटर हो गया है, इसमें से हम 100 ml इसमें से लेंगे 1 लीटर पानी के लिए। ये लगभग 100 ml हमने लिया है। अब इसमें हम पानी भर के और इनको पत्तों पे स्प्रे करेंगे। मैं पानी भर के भी आपको दिखाई देता हूँ और स्प्रे करके भी दिखाता हूँ। ये नोज़ल को हमने फुवारामय बना लिया है। अब हम इन पौधों पे इसको बढ़िया स्प्रे देंगे। इससे कीड़े मरेंगे नहीं, सिर्फ कीड़े जो है पौधे की दूरी बनाए रखेंगे। इससे सस्ता और सुंदर और इफ़ेक्टिव आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप अपने घरों से सामान निकालें और इसको बनाएं और अपने पौधों को रख रखाव और बचाव में इसकी मदद लें। इस तरह से आपको इसको जड़ों में भी आप दे सकते हैं, थोड़ा सा मोटी धार करके आप जड़ों को देंगे। इस तरह जड़ों को भी आप देंगे जिससे फंगस और मृदा जनित जो कीड़े होते हैं वो इनसे दूरी बनाए रखेंगे। तो
तो भाइयों और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए और आप भी इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कीजिए। मेरे ये पीछे जो मेरी मेहनत काफ़ी दिख रहा होगा, जो इन्हीं चीज़ों से मैंने इनको डेवलप किया। इसके अलावा एक आप चाहो तो सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने घरों में। सोडे का पानी पौधों की जड़ों में दें, जिससे कि उसमें भी फंगस ना लगे। और किसी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, आपको रिप्लाई करूँगा।